दोस्तों हम आ गए हैं मंजू देवी के घर। मंजू देवी मत बोल, प्रधान जी बोल, सुन लेगी भी। हाँ हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं प्रधान जी के घर। वो जितेन भाई वहाँ के लिखे हो? हम सब ने ये ठाना है फुलेराव को नंबर वन बनाना है। तो दोस्तों हम खड़े हैं ग्राम फुलेरा में, जहाँ हो रही है दोस्तों पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 की शूटिंग। आप देख सकते हैं ये रही पानी की टंकी। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे पंचायत वेब सीरीज सीजन की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई, वो वाली लोकेशन। और दोस्तों ये वो हेडपंप है जिसको पंचायत वेब सीरीज में बताया गया है। तो दोस्तों चलते हम पंचायत में। तो दोस्तों आप देख सकते हो पंचायत को शूटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगली लोकेशन पे। तो दोस्तों इस लोकेशन को देखकर आप समझ गए होंगे ये कौन सी लोकेशन है, ये मंदिर, वो ढाबा। चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस ढाबे को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। देख रहे हो विनोद, क्वेश्चन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। दोस्तों ये ढाबा वही है जहाँ पर भूषण और विनोद बात कर रहे थे। और दोस्तों सीजन 3 में भी इस ढाबे पर शूटिंग की जाएगी। तो चलते हैं अगली लोकेशन पे। अगली लोकेशन दोस्तों आप देख सकते हो मंदिर। दोस्तों हम आ गए हैं मंजू देवी के घर। मंजू देवी मत बोल, प्रधान जी बोल, सुन लेगी भी। हाँ हाँ दोस्तों हम आ गए हैं प्रधान जी के घर। वो जितेन भाई वहाँ के लिखे हो? हम सब ने ये ठाना है फुलेराव को नंबर वन बनाना है। तो दोस्तों ये स्लोगन इस बार भी वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। पर अजय ये शूटिंग कहाँ चल रही है यार, या तो मालूम ही नहीं पड़ रही। वो जितेन भाई गाँव में कहीं ना कहीं तो चलती हुई देख, कहाँ चलो। हाँ चल यार, कहाँ चल रही होगी शूटिंग यार। अरे जितेन भाई चुप रहो, साइलेंट की बोली उन्होंने, साइलेंट रहो। तो दोस्तों पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 की शूटिंग बहुत जोर शोर से चल रही है। और दोस्तों ये आपको 2024 में देखने को मिलेगी। और दोस्तों पंचायत वेब सीरीज गांव के लोकेशन पर बनाई गई है। वैसे ही दोस्तों हम भी गांव के लोकेशन पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, एक बार हमारे वीडियो को जाकर जरूर देखें। ये देखो ये तो जितेन भाई को अने ये जितेन भाई। क्यों रे मांगीलाल, ये किन के लिए आओ तू? मारे तो असो लगे ये भी कहीं मांग भाई आया होगा। अरे विमल सर मुंगे तो असो लगे, एक ही नहीं पहले मालूम पड़ गई थी कि अपन सम्मुख किस्त का पैसा ले पा रहा, देखो तो कसो गरम हो रही हो। अरे हाँ हाँ ये भी मांग भी आया है, वही भी पैसा। अरे थारे मालूम है कि मैं कोई के कहीं सामान नहीं दूं और इनके पैसा दे दूं मैं? अरे कैसे नहीं दोगा, यो मैं थोड़ी है, तुम्हारे तो कहीं भी नहीं दोगा। ये समूह वाला साहब है, इनका पैसा तुम्हें 10 बार देना पड़ेगा। समूह वाला साहब? साहब तुम तो पहली बार दिख रहे हमारे, तुमसे कब समूह लिया मैंने? अरे तुमने हमारे राहुल सर से जो 10 महीने पहले समूह लिया था ना, उसकी एक भी किस्त नहीं भरी है तुमने। आज उसकी पूरी किस्त के पैसे लेने आए हम। अरे बाप रे, अरे सर 10 महीने के कितने पैसे हो गए होंगे? तुम्हारे 10 महीने के 30,000 रुपए हो चुके हैं और तुम इस पूरे गांव में डिफॉल्टर हो चुके हो, और आज ही तुम्हें पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी जो पीछे भैंस बंदी है ना उसको छोड़ ले जाएंगे हम। अरे साहब असो जुल्म मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम भैंस छोड़ ले जाओगे तो ये बच्चे चाय काय की पियेंगे? अरे तो क्या हमने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, पैसे तो तुझे आज जमा करने ही पड़ेंगे। अरे साहब अभी पैसा कहाँ से लाऊं, 2-3 महीना और रुक जाओ, ये गांव की फसल बेच के तुम्हारी किस्त का सारा पैसा भर दूंगा मैं। अरे साहब झूठ बोल रहे हैं, इनके टमाटर की फसल देखो कितना टमाटर बोया है इनने, ये चचर 5-5 दिन में 10-10, 12-12 हजार का टमाटर ही बेच दे, और असीके की पैसा कहाँ से लूं? अरे साहब ये तो झूठ बोल रहे हो, इतना भाव कहाँ है टमाटर को, 4-5 दिन का टमाटर में 2-400 रुपए आया साहब, और 2-400 रुपए को मैं छुच्छे उनका सारे खावा को ले साहब।
अरे साहब झूठ बोल रहे हैं, मार्केट में 40-50 रुपए किलो चल रहे हैं टमाटर, अभी हाल ही की थी इनने वहां से थोड़ी देर पहला। अरे साहब भाव है तो कहीं करूं, सारा टमाटर लीला का लीला धरिया, कोई पकी नहीं रहा तो कहीं बेचूं। अरे साहब यही कहे कितना झूठ बोल रहा है, ये देखो ये इनने बेचने के लिए पहले ही टमाटर तोड़ के धर लिया यहाँ 2 क्रेट। अरे साहब इन्हें 1 महीना में ये 2 क्रेट टमाटर हिटा बस, अब हमें कहीं किस्त भरा है, अगर हमें किस्त भरा जाए तो तमी ले जाओ। अरे साहब झूठ बोल रहे हैं, असी रोज की 2-2 क्रेट लेके जाए यही, इनका बैंक में पड़ा होगा पैसा ऐसा। सुन रे बहुत बेवकूफ बना लिया तूने, अभी तेरा बैंक अकाउंट चेक कर लिया ना हमने तो सब सूझ पड़ जाएगी हमें। मैं कुछ नहीं जानता, आज के आज हमें हमारे 30,000 रुपए चाहिए। अरे बाप रे, अब तो इनका 30,000 को कसे न कसे इंतजाम करना पड़ेगा यार, नहीं तो ये तुम्हारी भेज छोड़ ले जाएगा, फिर मैं सोचो रे उनको कहीं होएगा यार। तो साहब तुम थोड़ा घेर रुको, मैं मंडी जाऊँ पैदल पैदल और कहीं का सेठ से पैसा लेके आऊँ। पैदल पैदल? अरे जितेन भाई तुम्हारी गाड़ी लेके जाओ नी, पैदल पैदल में तुम धन भर लगा दो, वही कब तक खोटी होगा यहाँ। अरे थारे कहीं बताऊँ यार, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गयो, नहीं तो इन्हें टमाटर उन्हें कद को बेच के आ जाता मैं। अरे साहब आज इनको कहीं को बहाने नहीं चल बिंदू हमें, तुम एक काम करो हमारी गाड़ी लेके जाओ और सेठ से पैसा लेके आओ, कहाँ का सेठ से लेके आओ, जब तक हम यही बैठे है। Oh no! अरे यहाँ तो साबुन की गाड़ी है यार। हाँ यहाँ है, यहाँ है। बस 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 ये गाड़ी रोक दो, अब असो करो तुम जाओ। लो साहब ये पूरा 30,000 रुपया है। हाँ ठीक है विशाल, यदि आज ये भाई नहीं होता ना तो मुझे लगता नहीं है कि आज भी ये किस्त के पैसे देता। धन्यवाद यार भाई साहब, चलते हम। ठीक ठीक। क्यों जितेन भाई कसीरी, अगर मैं तुमसे जो सामान मांगता हूँ नी ये देते रहता ना तुम मारे, तो आज ही तुम्हें किस्त का 30,000 रुपए नहीं देना पड़ता उनके। सही कह रहे हो रे तू, पर तू भी आज मारे अगर थारी गाड़ी नहीं देते नी तो ये किस्त का पैसा कहाँ से भरतो रे मैं। तो मतलब जितेन भाई तुम केनो कही चाह रिया? अरे मैं असी केनो चाह रियो रे कि मैं जीना सेठ का कन से पैसा लेके आयो नी, उना सेठ का कने थारी गाड़ी गिरवे धर के आयो रे, और उना सेठ को नौकर अभी हाल मारे यही छोड़ के गयो रे। अरे दाजी रे मारी गाड़ी, अरे मारा दाजी तो मार मार के उदला हेड दे घरे।